बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और टेस्टी बनने वाली डेजर्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी का नाम है टिरामिसू। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने एक कप व्हिपिंग क्रीम ली है, उसे मैं अच्छे से व्हिप करूँगी। व्हिपिंग क्रीम अच्छे से चिल्ड होनी चाहिए। ये देखें कितनी फ्लफी सी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 पैक ओल्पर्स क्रीम। इसे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करूंगी और हैंड मिक्सर से इसे दोबारा से मिक्स कर दूंगी। ये देखें जी, अच्छे से विस्क हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ब्राउन शुगर। ये 1/2 कप ऑफ ब्राउन शुगर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। मैं इसे दोबारा से व्हिप कर लूँगी अच्छे से, ताकि ब्राउन शुगर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें तो व्हिप क्रीम हमारी यहाँ बन के रेडी है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी सिरप। तो इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कॉफ़ी, ऐड करूँगी 1 कप पानी, मिक्स करूँगी और ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो कॉफ़ी सिरप भी हमारा यहाँ बन के रेडी है, व्हिपिंग क्रीम भी हमारी रेडी है। तो यहाँ पे मैंने 1 बॉक्स लिया है केक रस का। तो यहाँ पे मैंने एक डिश ली है। सबसे पहले मैं व्हिप क्रीम की लेयर लगाऊंगी, सेकंड लेयर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी केक रस का। इसको मैं कॉफ़ी सिरप में अच्छे से डिप करके इसकी सेकंड लेयर लगा दूंगी इस तरीके से। सेकेंड लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर दोबारा से मैं व्हिप क्रीम लगाऊंगी और इसी मेथड से मैं सेम लेयर्स लगाती रहूंगी। ये लास्ट लेयर है, इसको अच्छे से सेट कर लूँगी और लास्ट में इसके ऊपर कोको पाउडर से स्प्रिंकल करूँगी। तो कोको पाउडर से मैंने इसे अच्छे से स्प्रिंकल कर लिया है। तो टिरामिसू हमारे यहाँ बनके रेडी है। अब मैं इसे 1 डे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखूँगी। ये देखें, अब मैं इसे 1 डे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखूंगी। सो नेक्स्ट डे टिरामिसू यहाँ पर अच्छे से चिल्ड हो चुका है। अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। ये बहुत ही इजी एंड क्विक बनने वाली रेसिपी है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मेरे चैनल के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी नए आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।